नमस्कार दोस्तों, ममता डिजाइनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स छोटे बच्चों के लिए नेकर या चड्डे जो होते हैं। तो देखिए बचे हुए कपड़े से एक एक बहुत ही शानदार सा चड्डा बनाकर बताऊंगी फ्रेंड्स। तो बच्चे तो सभी के घर में होते हैं फ्रेंड्स, तो इसे बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मुझे जो जो चाहिए मैंने इस हिसाब से ले लिया है फ्रेंड्स। तो देखिए मुझे इसके लिए इलास्टिक चाहिए था, तो मैंने इलास्टिक ले लिया है। और अपन साइड में ये पाइपिंग लगाएंगे, तो इस तरीके से मैंने देखिए पूरे भी कपड़े से पाइपिंग कट करके रख ली है। और ये साइड में पट्टी लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने 2.5 इंच का ये कपड़ा ले लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अपना मेन कपड़ा है जिससे अपन निक्कर बनाएंगे। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से 4 फोल्ड में कर लिया है। देखिए 2 फोल्ड तो ये हो गया, और जब अपन इसको इस तरीके से करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो अपने ये 4 फड़त हो गए। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसकी कटिंग करते हैं। तो पहले फ्रेंड्स इसकी लंबाई देख लेते हैं कि कितनी है इसकी लंबाई। तो देखिए अपनी ये लंबाई जो है जो 11 इंच है, जो नेकर की लंबाई है वो 11 इंच है। और इसकी कमर की जो मोटाई है फ्रेंड्स वो है अपनी 20 इंच, बिल्कुल फिक्स है ये 20 इंच। और देखिए फ्रेंड्स मोहरी की जो मोटाई है वो है 14 इंच। और फ्रेंड्स आसन जो है वो है 8.5 इंच। तो अपन ने नाप तो देख ही लिया है, आसन है जो 8.5 इंच है और मोटाई है वो 14 इंच है मोहरी की, और जो कमर की मोटाई है वो 20 इंच है, लंबाई है 11 इंच। अब फ्रेंड्स सबसे पहले अपन इसकी लंबाई देखेंगे। देखिए लंबाई थी 11 इंच। अब अपन इसने 3 इंच का मार्जिन लेंगे, 1.5 इंच नीचे की तरफ जाएगा और 1.5 इंच ऊपर की तरफ। तो ये हो गया अपना 14 इंच। तो इस तरीके से मैं 14 पे निशान लगा लेती हूँ। अब अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए मैंने 14 पे निशान लगा लिया, तो 1.5 इंच का मार्जिन नीचे रख देते हैं। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे लाइन खींच देंगे और 1.5 इंच की लाइन ऊपर की साइड खींच देंगे। तो देखिए अब इसकी मोटाई देखते हैं। मोटाई थी अपनी 20 इंच। अब 20 इंच में जब मैं 6 इंच की लूजिंग लूंगी तो ये हो जाता है 26 इंच। तो फ्रेंड्स जब 26 इंच का चौथाई भाग करूंगी तो ये हो जाएगा 6.5। इस तरीके से मैं 6.5 ले लूंगी। अब मैंने 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब अपन आसन की नाप लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आसन के था आपने 8.5 इंच का, तो मैं 8.5 इंच का आसन नहीं लूंगी, मैं यहाँ पे 8 इंच का ही आसन लूंगी। इस तरीके से मैंने 8 इंच में निशान लगा लिया है और देखिए 1.5 इंच इसको मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगी। जो आसन की गुलाई देंगे वो 1.5 इंच की देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने ये गुलाई दे दी है। अब इसको पूरा देखते हैं कि ये कितने का होता है। ये हो जाएगा अपने 8.5 इंच और ये अपना मार्जिन में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स हो गया आपने आसन 8.5 इंच का। तो इस तरीके से कट करना है आपको, आसन जितना हो उसमें से 0.5 इंच कम करके और 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाना है। अब अपन चलते हैं नीचे की तरफ मोहरी की साइड। तो मोहरी थी अपनी 14 इंच की, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 7 इंच और 0.5 इंच का लेंगी इसमें मार्जिन। तो ये मैंने 0.5 इंच का मार्जिन ले लिया है और देखिए फ्रेंड्स इसमें मैं इसको मिला दूँ, मैंने इस तरीके से इसको मिला दिया है। अब अपन इसकी कटिंग कर देते हैं। इस तरीके से कट कर दिया है। अब अपन ये 1.5 इंच का गुटका यहाँ पे भी लगा देंगे कि यहाँ के अपन को पलटना है। अब क्या करेंगे अपन यहाँ से इसको भी कट कर देंगे, क्योंकि मैं साइड में पाइपिंग और पट्टी सेट करना बताऊंगी आपको, उससे लुक आ जाता है बहुत ही शानदार। तो देखिए इस तरीके से कट कर दिया है फ्रेंड्स। अब ये जो 2 इंच की
ढाई इंच की पट्टी ली थी फ्रेंड्स, इसका मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी? अपन को दो पलट उठा लेने हैं और देखिए इस पट्टी को इस तरीके से बीच में सेट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैं इसको बीच में सेट कर दूंगी तो ये बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा। और एक साइड इसमें आप चाहो तो दोनों साइड पाइपिंग दे सकते हो, एक साइड में इसमें पाइपिंग सेट कर दूंगी या फिर आप दोनों साइड भी पाइपिंग दे सकते हो। तो फ्रेंड्स इनको अपन ज्वाइंट कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको इसके मैंने नीचे रख दिया है। नीचे रखने के बाद इस पाइपिंग को ऐसे लूँगी और इस पाइपिंग को देखिए पहले इसको नीचे रख देना है, फिर पाइपिंग को इसके ऊपर रख देना है इस तरीके से। और फिर देखिए ये मेन पार्ट है उसको ऊपर रख देना है और आधा इंच की सिलाई चलाते हुए इनको लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्की हल्की पाइपिंग दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से ये पाइपिंग मैंने सेट कर दी है। सेट करने के बाद यहाँ पे अपन एक और सिलाई दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड भी अपन को इसी तरीके से पाइपिंग लगा लेनी है। मैंने इस तरीके से दोनों साइड पाइपिंग लगा के सेट कर दिया है। तो दूसरे पार्ट को भी अपन इसी तरीके से सेट कर लेंगे। मैंने इस तरीके से देखो दोनों पट्टियों सेट कर लिया है और पाइपिंग सेट कर ली है। एक दूसरे को ऊपर रखेंगे इस तरीके से, सीधे भागों को मिला लेना है और मिलाने के बाद आसन जोड़ देंगे। इसको अपन सीधा कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर अपना नेकर बन के रेडी हो गया है। देखिए देखिए साइड में
ये सिलाई कितनी सुंदर लग रही है, दोनों साइड देखिए ये बनने के बाद कितना सुंदर लगा है। तो इस तरीके से आप भी बना के ट्राई करिएगा ज़रूर। और आपको ये निक्कर बनाना अगर पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स इसे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये निक्कर आपको कैसा लगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।